पटना के कई एटीएम अभी भी बंद पड़े हुए हैं। शटर खुले हुए हैं पर एटीएम के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि एटीएम पूरी तरह से खाली है और एटीएम आउट ऑफ सर्विस है। आई एम आउट ऑफ सर्विस, विल बी बैक इन सर्विस सून। जल्द ही काम करेगा एटीएम, यह कहा गया था कि 2 दिन के बाद एटीएम पूर्ण रूप से काम करेगा, लेकिन अभी दोपहर का समय हो रहा है और एटीएम पूरी तरह से फेल है, काम नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि बैंकों के बाहर लंबी भीड़ है। उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही एटीएम खुलेगा भीड़ कम होगी, लोगों की मुश्किलें कम होगी, लेकिन लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और एटीएम काम नहीं कर रहा। और भी एटीएम हम देखेंगे कि पटना में कौन कौन से एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। लोगों की निगाहें एटीएम पे आकर रुक जाती है कि हाँ एटीएम है और खुला हुआ भी है, लेकिन एटीएम में पसरी सन्नाटा चीख चीख के कह रही है कि यह काम नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि एटीएम सुनसान, लोग परेशान। पटना के कई एटीएम का यही हाल है और जो एटीएम खुले हुए हैं वहाँ भी पैसे नहीं निकल रहे हैं। तो अमूमन लोगों की भीड़ पटना के तमाम बैंकों में दिख रही है और लोग सड़कों पर एटीएम की तलाश में भटकते दिख रहे हैं। यहाँ भी एटीएम खुला है मगर यहाँ भी बोर्ड लगा दिया है एटीएम टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस, यानी इस एटीएम से भी लेन देन नहीं हो सकता है। और सन्नाटा यहाँ भी है, यह HDFC का एटीएम है और यहाँ भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अब हालात यह है कि 2 दिन की तैयारी के बाद अगर ग्राहक ऐसे ही परेशान होंगे, आम लोग ऐसे ही परेशान होंगे, तो उन्हें रियायत कहाँ मिलेगी, उनकी मुश्किलें कहाँ कम होगी। कहा गया था कि लंबी तैयारी की गई है लेकिन तैयारी अभी तक जमीन पे नहीं दिख रही है। हालात यही है कि लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। एटीएम में शटर लगे हुए हैं, उम्मीद की जा रही थी कि आज एटीएम खुलेगा, लेकिन आज एटीएम में ताले लगे हुए हैं, एटीएम नहीं खुले हैं और जहां खुले हुए हैं वहां भी आउट ऑफ सर्विस। ऐसे में लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लोगों को उम्मीद थी कि जैसे जैसे एटीएम खुलेगा लोगों की मुश्किलें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे में मुश्किलें कम होने की जगह और बढ़ती जा रही है। सहयोगी दीपा के साथ गणेश सम्राट, JK News Network, पटना।